भैया आप मुझे अपनी सीट दे देंगे क्या? मैडम ये लेडी सीट नहीं है। कोई बात नहीं, आप एक लड़की को भी सीट दे सकते हैं। दे तो सकता हूँ, लेकिन आपसे ज्यादा मुझे जरूरत है इसकी। अरे आपको क्या जरूरत है, आप तो जवान लड़की हैं, खड़े होकर भी जा सकते हैं। मैं तो लड़की हूँ और मैं कंफर्टेबल भी नहीं रहूंगी। मैडम आप भी तो जवान हो ना, आप भी खड़े हो सकते हो। सीट नहीं देनी है, लेकिन बहस पूरी करनी है। बहस मैं नहीं कर रहा हूँ, बहस तो आप कर रहे हो मुझसे। और जब मैंने मना कर दिया आपको, तो आप क्यों जिद बहस कर रहे हो मुझसे? पता है तुम्हारे जैसे मर्दों की वजह से ना सभी मर्द जाकर नाम खराब हुआ। अरे बेटा क्या मुझे सीट दे दोगे? अंकल जी दे तो देता, लेकिन मुझे काफी दूर जाना है और फिर मुझे खड़े होने में भी प्रॉब्लम है। अरे बेटा वो मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, नहीं तो मैं नहीं बोलता। अंकल जी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं भी खड़ा नहीं हो सकता ना, तो आप समझिए। आजकल के लड़के ना बड़ों की तो इज्जत ही करना भूल गए हैं। पता नहीं इनके माँ बाप ने क्या संस्कार दिए हैं। अंकल जी इसमें माँ बाप कहाँ से आ गए, और वैसे भी ये सीनियर सिटीजन की सीट नहीं है, और मैं पहले से बैठा हुआ हूँ यहाँ पे, और अगर मैं आपको सीट दे देता तो माँ बाप ने अच्छे संस्कार दे दिए होते, और अगर नहीं दी तो माँ बाप ने बुरे संस्कार दिए, और अगर मैं आपको सीट दे देता तो माँ बाप ने अच्छे संस्कार दे दिए होते, और अगर नहीं दी तो माँ बाप ने बुरे संस्कार दिए। अंकल जी मैं अपनी ही सीट पर तो बैठा हूँ। देखा अंकल कैसे उल्टा जवाब दे रहा है, तमीज ही नहीं है बात करने की। अरे छोड़ो बेटा अब इससे क्या बहस करें। भाई साहब अब अपनी सीट दे देंगे मैडम वो। अरे यार इसे तो सीट दे दे, अब ये तो प्रेग्नेंट है, बताए इसको खड़े होने में कितनी दिक्कत होगी। हमें सीट नहीं दी, कम से कम इन्हें तो दे दो। भाई यार ऐसा क्या हो गया, कम से कम इनको तो सीट दे दे, बेचारी प्रेग्नेंट है, इनकी तो मजबूरी समझ ले। ऐसे मना कर रहा जैसे उससे पैर ही ना हो। कम से कम इनको तो सीट दे दे, बेचारी प्रेग्नेंट है, इनकी तो मजबूरी समझ ले। ऐसे मना कर रहा जैसे उससे पैर ही ना हो। बैठ जाइए मैडम। भैया आप बैठ जाइए, मुझे नहीं पता था कि आप। बचपन से ही पैर नहीं है, लेकिन आप बैठ जाइए, वरना ये लोग फिर से मुझे बोलेंगे कि मेरे घर वालों ने संस्कार नहीं दिए, मेरे घर वालों पर जाएंगे।